हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ IZI मिनी ड्रोन। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या है। अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो आपको इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को कम दाम में ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इसे कहाँ से ख़रीदना चाहिए और बेस्ट क्वालिटी से आप कहाँ ख़रीद सकते हैं। तो इस वीडियो को डिले ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो आपको इस प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा, जो कि शानदार 1080p पर आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके देता है। तो चलते हैं अब इसके डिस्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 300 मीटर की दूरी तक आप इसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और चलते हैं इसके हाइट के बारे में। तो आप 15 मीटर ऊंचाई तक इसको आसानी से उड़ा सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब इसका फ्लाइट टाइम देख लेते हैं। तो इसका फ्लाइट टाइम जो है 17 मिनट का है, यानी आप 17 मिनट तक इसे आराम से उड़ा सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी सबसे जो मुझे खास बात लगी कि आप इसमें लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, लाइव आप वीडियो रिकॉर्ड शूट कर सकते हैं। और आप इसमें चार्जिंग टाइम जो है, आप इसे 60 मिनट में इसे फुल चार्ज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका वज़न। तो इसका वज़न बिल्कुल 93 ग्राम है, बहुत ही हल्का है, जिसे आप आसानी से कहीं पर भी आराम से ले जा सकते हैं। इसके जो सबसे खास बात मुझे लगी कि इसमें आपको मुझे फॉलो करो मोड है, यानी फॉलो मी मोड है। जैसे कि आप इसे उस मोड पर कर देंगे तो आप जहां जाएंगे वो ड्रोन आपके पीछे पीछे जाएगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी ये फीचर। अब देख लेते हैं इसके रिव्यू के बारे में। तो आपको इसका रिव्यू अगर देखना हो तो आपको अमेजोन पर इसका रिव्यू 4.5 स्टार आपको इसका रिव्यू देखने को मिल जाएगा। और इसका जो रिव्यू जो है, जब मैंने इसका रिव्यू चेक किया था तो इसमें आपको सिर्फ एक इसका फीचर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैंने इसको बाय किया था तो मुझे इसमें देखने को मिला कि इसमें फ़्लाइट टाइम 17 मिनट है, जबकि रियल में इसका 13 मिनट होता है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए और इसे बाय कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।